साउथ अफ्रीका का तो कोई चांस ही नहीं है बाजी लेने का। इंडिया के पास कप जाएगा, ये कप एशिया में रहेगा, साउथ अफ्रीका का नो चांस एट ऑल। वर्ल्ड कप 2024 इज इंडिया। रोहित शर्मा की बैटिंग देखी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो खेला है और वो नजर आया है, उसने बताया कि कैसे खेलते हैं, ठीक है। और इस तरह का कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में वैसा नहीं है रोहित शर्मा के लेवल का कि जो कि ऐसे खेल सके। लगता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, उन बंदों ने ज्यादा मेहनत की है, वो दिल से खेलते हैं और 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा खेल के स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े मैचों में चोक कर जाते हैं। आई होप फाइनल जीत। आजकल कौन रखते हैं, नो दुश्मनी नो एनिमीज, वी लव इंडिया, इंडिया इज आवर फ्रेंड आवर नेबर। अच्छा सही बात है, दोस्ती होनी चाहिए फिर इंडिया पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। जाली किंग है, उसका बनता ही नहीं है टीम। अच्छा बाबर जाली किंग है और रियल किंग विराट कोहली ही है। बिल्कुल ऐसा ही, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वो बंदा खेलता है, वो खेलता है। प्लेयर भी है, इंडिया बड़ी अच्छी टीम है। तुम्हें कैसे पता कि इंडिया बड़ी अच्छी टीम है? जी पता है, मैं देखता हूँ मैच। अच्छा फेवरेट प्लेयर या बॉलर कौन है इंडिया में से? विराट कोहली। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की रही, 103 पे पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को बुक करके घर भेज दिया। रोहित शर्मा मैच जीतने के बाद रोए, खुशी से रोए, विराट कोहली ने आके चुप करवाया, फैन को ये मोमेंट बड़े पसंद आए। आपको इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मतलब क्या लग रहा है? और इंडिया अनबीटेबल रहा, 8 के 8 मैच जीत चुका है, कोई इंडिया को नहीं पकड़ पा रहा। नहीं इंडिया ने बिल्कुल धमाकेदार सीजन हो गया इंडिया का। इंग्लैंड को चांस मिला था 2022 वर्ल्ड कप में हराने का और वो हरा गए थे, तो ये साल तो ऑब्वियसली इंडिया का था। इंडिया आई, वापस आई, बहुत जोर दौर से आई और जीत गई। जीत गया। आप फाइनल साउथ अफ्रीका के साथ है, तो साउथ अफ्रीका बाजी लेके जाएगा या फिर इंडिया? नहीं साउथ अफ्रीका का तो कोई चांस ही नहीं है बाजी लेने का। इंडिया के पास कप जाएगा, ये कप एशिया में रहेगा, साउथ अफ्रीका का नो चांस एट ऑल। वर्ल्ड कप 2024 इज इंडिया। इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? इतनी जबरदस्त बॉलिंग, इतनी जबरदस्त बैटिंग, उनके प्लेयर्स ही इतने धमाकेदार प्लेयर्स है वहाँ पे। रोहित शर्मा खड़ा हुए, इतने अच्छी बैटिंग उसकी चल रही है, हार्दिक पांड्या की भी बैटिंग कमाल कमाल, 2 छक्के उसके रात को लगे थे, देखे थे आप लोगों ने, बहुत अच्छे से वो खेल रहे हैं सारे। बॉलिंग भी बुमराह जैसा बॉलर तो आज तक देखा ही नहीं किसी ने, इतनी अच्छी बॉलिंग उसकी है, उसका स्टाइल ही अलग है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा। अच्छा आप सब पीछे हंस रहे हो, आप भी तुक्का लगाओ, फाइनल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? इंडिया 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 इंडिया। अच्छा इंडिया पे इतना बिलीव क्यों है? हो सकता है साउथ अफ्रीका जीत जाए। हम देसी लोग हैं, हम इंडिया को, इंडिया साउथ साउथ अफ्रीका बाहर का मुल्क है, हम नहीं उसे मानते, एशिया में रखना चाहते हैं। देसी लोग हैं, वी लव इंडिया। वाह क्या बात है, क्या बात। आप भी यही सोच रहे हैं कि कप एशिया में आए, साउथ अफ्रीका ना लेके जाए? हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारे नेबर कंट्री, वी लव आवर नेबर कंट्री। क्या बात है, ये तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। तो दुश्मनी वाली वाइब्स कोई नहीं आ रही? दुश्मन आजकल कौन रखते हैं, नो दुश्मनी नो एनिमीज, वी लव इंडिया, इंडिया इज आवर फ्रेंड आवर नेबर। अच्छा सही बात है, दोस्ती होनी चाहिए फिर इंडिया पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए, हो नहीं रही वो पता नहीं क्यों नहीं हो रही, पर होनी चाहिए। अच्छा ये इनके भाई भी मौजूद है, थोड़ा सा आगे है। जिस तरह से इंडिया अनबीटेबल रहा, 8 के 8 मैच, जैसे उनका रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, बड़े से बड़ा बॉलर, और जो बॉलिंग इस दफा इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर की, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं क्रिकेट देखता ही नहीं। फिर से सवाल पूछे। मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया अनबीटेबल रहा है, कोई ऐसी टीम ही इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में नहीं आई जिसने इंडिया को हरा दिया हो। इंडिया की बैटिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, अनबीटेबल रही है। कितनी आपको लग रहा है इस दफ़ा इंडिया ने मेहनत की है खुद पे? इंडिया ने, आप लोग IPL अगर देखो, IPL में इंडिया ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ऑब्वियसली वो जितना मेहनत कर रहे, जितना वो प्रैक्टिसेस में काम कर रहे, उनकी मेहनत नजर आ रही है, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस T20 में दी है। IPL सपोर्ट कर रहे हैं, IPL की परफॉर्मेंस ही है जो सामने आ रही है, तो वो उन्होंने मेहनत डाल के परफॉर्मेंस। तो हमारे तो वाले PSL खेलते हैं, ये तो फिर नहीं रन बना रहे, तो वो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी IPL में हुई है। मतलब कि जो मेहनत करता है वही कप लेके जाता है, तो वो तो ऑब्वियस बात है। तो 10 साल के बाद आपको लग रहा है कि इंडिया में कप आएगा? बिल्कुल आएगा, इंडिया में कप आएगा, हमने एशिया में कप रखने, एशिया में कप आएगा। विराट कोहली चलेगा कि नहीं? विराट कोहली का भी कोई कहना नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में इतनी अच्छी नहीं जा रही, बट होपफुली वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे और बेहतर हो जाए। रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका को भी धोएगा? बहुत धोएगा, वो तो धोगे,
वॉशर में डाल देगा वो दोबारा धोएगा, पक्की बात है। हाँ जी, प्रेशर नहीं लेगा, प्रेशर देगा, प्रेशर देगा, उसने प्रेशर देना है। इंडिया ने बैटिंग लेनी है और रोहित शर्मा ने पहले ओपनिंग बैट्समैन में इतना मारना है, इतना धोना है कि लोग देखते रह जाएंगे। ये वो इस तरह ये ऐसा तो नहीं होगा कि इंग्लैंड की तरह साउथ अफ्रीका भी 100 रन पे बाय बाय टाटा बाय बाय खत्म खलास। उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है कि साउथ अफ्रीका जल्दी से आउट हो जाए और कप इंडिया ले जाए। हाँ, कप इंडिया ले जाए। तो पाकिस्तान को भी तो कुछ बोलो, इधर तक आते हम आपकी तारीफे करते, आज बाबर होता इंडिया सामने होता मजा आता कुछ। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करनी। क्यों डिसअपॉइंट किया है? वो कप में खेले ही नहीं इस दफा। हाँ, कप में आए थे, सुपर एट में आए, वो आए ही नहीं। हाँ, वो तो यूएसए की टीम आई थी, उनकी टीम आई ही नहीं। तो लड़कियां सपोर्ट नहीं कर रही इस दफा? क्यों नहीं कर रही? ये साड़ी कर रही है। नहीं नहीं, अपनी टीम को नहीं, इंडिया को सपोर्ट कर रही है। इंडिया को सपोर्ट, सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फाइनल देखेंगे? अब बिल्कुल देखेंगे, कल 7:30 बजे लगने फाइनल यहाँ पे, हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। और दुआएं किसके लिए? दुआएं इंडिया के लिए। वो लोग खेलते हैं, वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं और उनको पता कि खेलना कैसे है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान वाले वो डर के खेलते हैं, वो लोग डर के नहीं खेलते। जैसे आपने रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा की बैटिंग देखी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो खेला है और वो नजर आया है, उसने बताया कि कैसे खेलते हैं, ठीक है। और इस तरह का कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में वैसा नहीं है रोहित शर्मा के लेवल का जो कि ऐसे खेल सके। चले, साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल है, इंडिया भी अनबीटेबल है, तो डिजर्विंग टीम आपको क्या लगती है? दिल से बताएं कि कप किसके हाथ में होना चाहिए। मेरा दिल ये कहता है कि साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि वो वेरी फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंचे हैं। हाँ। तो सर, इंडिया भी तो 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं ना। साउथ अफ्रीका की हमेशा से ये डिजास्टर रहा है कि वो बेचारे सेमीफाइनल में, उनके साथ इतनी हार्ड लक होती है कि वो पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम फाइनल में आया तो मेरा दिल कहता है कि यार वो मतलब इमोशनली सपोर्ट है। हाँ, उनके साथ सपोर्ट है, इमोशनली सपोर्ट है। सर, जिस तरह इंडिया बड़े हाई मार्जिन से जीत रहा है, ये भी चीज कंसिडर करनी चाहिए, एक दो रन से नहीं जीत रहा, इंग्लैंड को 103 से जो है हरा दिया, इस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी काफी ज्यादा जो है रन इंडिया ने बनाए, इतने हाई स्कोर कर रहा है और ऐसी पिचेस है, वेदर की भी जो है मुश्किल है, लेकिन वो रुक नहीं रहे सर। और जिस तरह रोहित शर्मा मैच जीतने के बाद रोए हैं, उनके आंसुओं की दुनिया फैन हो गए कि बंदे ने मजदूरों की तरह ग्राउंड में मेहनत की है और खुशी से, और फिर विराट कोहली जाते हैं तो वो लम्हा कैप्चर हो गया सोशल मीडिया। वो एक्चुअली उनके खुशी के आंसू थे। हाँ। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और फर्स्ट टाइम अपनी टीम को फाइनल में लेके गया है वो बंदा, तो वो जो उसके आंसू थे वो खुशी के थे। दूसरा, वो खेलते हैं, वो लोग ब्रेव हैं, ब्रेवरी के साथ खेलते हैं और वो बताते हैं ग्राउंड में जाके कि कैसे खेलना है। और मेरे यहाँ से साउथ अफ्रीका को टफ है। आप पिछले 2 डेकेड से देख लें कि इंडिया की बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन पिछले 4-5 साल से उनकी बॉलिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। आप बुमराह देख लें, आप कुलदीप यादव देख लें, आप सिराज देख लें, उनकी बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग तो काफ़ी अरसे से उनकी स्ट्रॉन्ग थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये डिजर्व करती थी फाइनल में होना। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लें, दे प्लेड फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड शायद, लेकिन वो डिजर्व करते हैं, उन्हें आना चाहिए, उनका इमोशनल होना इसलिए बनता है कि रोहित शर्मा ने यार मेहनत की। आप IPL देख लें, उनके साथ ज्यादती हुई है अलग IPL में, लेकिन वो खेला है भाई, वो दिल से खेला है। आप उनकी क्रिकेट की अप्रोच देखें, वो अटैक करते हैं। आप कोहली को देख लें, हालांकि वो जल्दी आउट हो रहा है, लेकिन वो अटैक करता है, वो जा रहा है, अटैक कर रहा है बॉलर्स पे। कोहली का टीम के अंदर होना भी बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं। हाँ। उनका तो बनता है भाई, वो प्रेशर में खेलने वाला। हाँ। प्लेयर है। आप देखें पाकिस्तान के गेम्स 2022 के वर्ल्ड कप में बंदा निकाल गया मैच, अकेला ही निकाल गया 3 ओवर्स में। हाँ। शायद 47 चाहिए थे, वो निकाल गया मैच। तो इसी तरह है कि वो खेलते हैं बड़े मैचों के बड़े। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखिए पूरी दुनिया में, जैसे आपने भी तारीफ की कि निहायत ही सुलझा हुआ, समझदार, टीम को चलाने वाला, खुद के लिए नहीं खेलता। अगर ये चीज़ हम बाबर के लिए देखें तो बाबर ने हमेशा सेल्फिश गेम खेला है। बाबर कई सालों से कैप्टन है और उसने अपनी कैप्टेंसी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने थोड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं, मैं भी यूज करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अवाम ने उसे ज़्यादा उठा दिया, सोशल मीडिया ने ज़्यादा उठा दिया उसे, इतना बनता नहीं है वो। 5 साल उसे इतना लंबा रन मिल गया, लेकिन वो डिलीवर नहीं। बहुत अच्छा खेल रही है वो, अभी तक टूर्नामेंट में पूरी अनबीटन रही है, सही है। और वो डिजर्विंग भी है। रोहित शर्मा ने बड़ी की है, मेहनत की हुई है अभी तक। क्योंकि अभी तक इंडिया ने रिसेंटली पीछे बहुत से कैप्टन चेंज किए हैं, लेकिन कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इवन के विराट कोहली एज अ कैप्टन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, खुद की बैटिंग डिस्टर्ब हो गई थी। जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि कैप्टेंसी जो है, लीड करना जो है, वो हर एक का काम नहीं है यार, ठीक है। तो लीडर एक ही होता है। हाँ।
और रोहित शर्मा बहुत अच्छा लीडर है और वो बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है और इंडिया डिजर्व करती है कि वो कप लेकर आए। सर जितने मैचेस, जैसे आपने कहा इंडिया अनबीटेबल रहा, साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल रहा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की भी छुट्टी करवा दी, इंग्लैंड की भी छुट्टी करवा दी, अफ्रीका क्या इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? अफ्रीका देखें पहली बार खेल रहा है फाइनल, इस बार वो बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, एक बड़ी कंट्री की टीम है, लेकिन वो प्रेशर की टीम नहीं है। ठीक है, प्रेशर लेना हर एक का काम नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो ज्यादा सुटेबल है, वो ज्यादा डिजर्व करती है। मतलब साउथ अफ्रीका फाइनल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो फाइनल में इतना अच्छा परफॉर्म कर सके। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी वैसे ही चलेगी दमदार, और विराट के बल्ले से रन निकलेंगे फाइनल में? हाँ, विराट इंशाल्लाह करेगा स्कोर, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है और वो स्कोर भी करेगा। और रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा जो है वो फाइनल में स्ट्रॉन्ग ना। आपको क्या लगता है टफ मैच होने वाला है? साउथ अफ्रीका जीतेगा। आप क्या कहेंगे? जी 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 जी, दोनों का टफ, साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा उनको इंडिया को। और इंडिया अगर इंग्लैंड का प्रेशर नहीं उसने लिया, ऑस्ट्रेलिया का नहीं लिया, तो साउथ अफ्रीका तो फर्स्ट टाइम उतरेगी ग्राउंड पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले कभी फाइनल में नहीं ना आई। हाँ। पहले उन्होंने स्ट्रगल काफी मेहनत काफी की है, लेकिन वो आगे नहीं आए, लेकिन फर्स्ट टाइम आ गया, इसी वजह से वो बहुत टफ टाइम देंगे। ठीक है, उनकी उन जान से जान, जैसे जहाज पे जाते हैं ना, वैसे ही वो समझ लगे सर जाने दे, क्रिकेट में कहा जहाज आ गया। नहीं वैसे फर्स्ट टाइम वो फाइनल सर, अफगानिस्तान भी तो सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम, सेमीफाइनल और फाइनल का प्रेशर बहुत होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टफ टीम है ना, अफगानिस्तान का वो नाम नहीं है जो साउथ अफ्रीका का नाम। दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है, तो बड़ा हाइप का मैच होने वाला है, बहुत हाइप का, बहुत ज्यादा हाइप का मैच होगा और टूटेंगे मीडिया। ऐसा लगता है उसे टीम से फारग कर देना चाहिए, जाली किंग है उसका, बनता ही नहीं है टीम। अच्छा, बाबर जाली किंग है और रियल किंग विराट कोहली ही है। बिल्कुल ऐसा ही, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वो बंदा खेलता है, वो खेलता है। जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया ने हर मैच जीता है, बड़ी से बड़ी क्रिकेट टीम को हराया है, कल का मैच सेमीफाइनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फाइनल में कप किसके हाथ में आपको जाता दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से इंडिया में, इंडिया में ही जा रहे हैं। मैम उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को इतना स्ट्रॉन्ग किया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्या वजह है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत मेहनत करनी चाहिए। वो मेहनत करनी चाहिए, उन्होंने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नहीं किया। वैसे एक आपस की बात है, आप नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप एशिया मेरे हर दफा गोरे ले जाते, हम ना से हमारा पड़ोसी ले जाए, इसमें जेलसी वाली क्या बात? नहीं नहीं, जेलसी वाली कोई बात नहीं है, इमोशनली तौर पर ये मैं चाह रहा हूँ कि यार साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम फाइनल में गया, 92 से वो टीम जो सी है वो आई हुई है, लेकिन 92 से लेकर वो लोग सेमीफाइनल से बाहर होते रहे हैं, दो चार दफ़ा सेमीफाइनल खेले हैं फिर बाहर हो गए, लेकिन वो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं फाइनल में, तो वो डिज़र्व करते हैं। बाकी हमारी जो सी सारी उम्मीदें वो एशिया के साथ हैं, ठीक है, अगर इंडिया भी जीती है तो हमें खुशी है, हमें कोई वो ऐसी कोई जेलस फील नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात भी होती है कि आप फाइनल में, क्योंकि इंडिया पहुंच चुके और इंडिया डिजर्व भी करता था, बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव था, उसके खेलने के अंदर बहुत ज्यादा चार्म इस दफा ऑडियंस को दिखने को मिला। अब साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल है, इंडिया भी अनबीटेबल है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो अपनी 9 की स्ट्रीक मेंटेन रखेगा और फाइनल विन करके कप जो है एशिया के अंदर लेके आएगा? आप दोनों टीमों की परफॉर्मेंस देखें तो कलेक्टिवली इस टूर्नामेंट में अच्छी रही है, दोनों टीमें अनबीटन है पूरे टूर्नामेंट में, दोनों टीमें डिजर्व करती हैं, लेकिन पर्सनली मैं जो चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, उन बंदों ने ज्यादा मेहनत की है, वो दिल से खेलते हैं और उन्हें सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा खेल के स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े मैचों में चौक कर जाते हैं, आई होप फाइनल जीत जाए। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका घर ही जाएगा और इंडिया ही जीतेगा और उसका बिल्कुल डिजर्विंग भी है, वो बनता भी है। साउथ अफ्रीका और इंडिया में से कौन फाइनल जीतेगा? इंडिया। अब इंडिया, आप इंडिया। अच्छा मैच देखते हो? जी जी देख। तो पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा, इस पे क्या कहेंगे? वो बाबर आजम बाबर आजम क्या? बाबर आजम मतलब कि अच्छा खेलता था, लेकिन उसकी टीम बाहर हो गई है। हाँ। तो अब इंडिया में से अब है कि वो इंडिया जीतेगा और इंडिया में कोका जीतेगा। कोका नहीं, कोहली जीतेगा। अच्छा कोहली जीतेगा, आप क्या कहेंगे? बाबर आजम ही था जो जिसकी टीम बाहर हो गई। हाँ, बाबर आजम की टीम बाहर हो गई, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? इंडिया। ओह माय गॉड, रियली इतनी इतनी उम्र के बच्चे भी क्रिकेट देखते हैं, आप क्या कहोगे छोटू? बाबर आजम की टीम बाहर हो गई है। आप बाबर आजम की टीम, मतलब पाकिस्तान बाहर हो गया टूर्नामेंट में, आप
आप साउथ अफ्रीका जीतेगा या इंडिया? चलो तुक्का लगाओ। इंडिया क्यों जीतेगा, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं जीत सकता? इंडिया के प्लेयर भी हैं, इंडिया बड़ी अच्छी टीम है। तुम्हें कैसे पता कि इंडिया बड़ी अच्छी टीम है? जी पता है, मैं देखता हूँ मैच। अच्छा, फेवरेट प्लेयर या बॉलर कौन है इंडिया में से? विराट कोहली और वो कौन, मैं मदद करती हूँ, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है। वाह, उन्होंने अच्छा खेला, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और इंग्लैंड उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाया। हालांकि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इंग्लैंड का, इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी हुआ था सेमीफाइनल, जिसमें वो 2022 में वो ओपनर नहीं पूरा कर दिया था, तो इस दफा उल्टा ही बढ़ गया। इंडिया ने तो कमाल कर दिया, अच्छा खेला काफी। 103 पे इंग्लैंड को बुक कर दिया जी, 103 पे उन्होंने। सर, इस दफा इंडिया में ऐसी क्या खास बात है कि बड़ी बड़ी जो टीम थी जिससे इंडिया को थ्रेट रहता था इतनी बुरी तरह हराया? उनकी बॉलिंग पे दुनिया बात करे कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा था। इस दफा जितना उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर मेहनत की है, उस मेहनत ने उनको जो है फाइनल तक पहुँचा दिया जी। आप कह सकते हैं बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी थी, जैसे अगर हम पाकिस्तान के मैच की बात भी करें तो उन्होंने देखें थोड़ा सा स्कोर था और वो भी चेज नहीं करने दिया पाकिस्तान को, तो बॉलिंग तो उन्होंने इस दफ़ा अच्छी की है और बैटिंग तो उनकी शुरू से ही अच्छी है। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, उनको हमने 19 ओवर्स में ऑल आउट कर दिए थे। तो ये भी एक बॉलर तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारी बैटिंग नहीं चल रही ना। बैटिंग बस वो हमारा किंग जॉन्स है ना, वो पता नहीं किसने उसका नाम किंग रख दिया। वो टाइटल ले लो, वो किंग नहीं है, किंग है कि या विराट कोहली। अच्छा सर, फाइनल है, साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही अनबीटेबल रहे। इंडिया अगर फाइनल जीतता है कप के साथ साथ एक हैंडसम अमाउंट भी इंडिया ले जाएगा। इंडिया हैंडसम अमाउंट के लिए तो मेरा नहीं ख्याल खेल रहा है, वो कप के लिए। प्राइस की तो अपनी खुशी होती है ना, खुशी जो कप की है वो तो कप की ही है क्योंकि पैसा तो उनके पास ऑलरेडी काफी है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से अफगानिस्तान को हराया तो मतलब आसान नहीं है इंडिया के लिए अब वर्ल्ड कप जीतना। साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल है, पूरा टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे। बड़े जबरदस्त मैच रहेगा जी, मजा आएगा।